नमस्कार दोस्तों, बिंदिया प्लस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई पनीर। बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम हमने पनीर लिया है, जिसको हमने स्क्वायर पीस में काट लिया है। एक बड़ा प्याज लिया है, उसे भी हमने स्क्वायर पीस में काट लिया है। आधा कैप्सिकम लिया है, उसे भी हमने स्क्वायर पीस में काट लिया है। कढ़ाई पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े लाल टमाटर हमने रफली चॉप करके लिए हैं। एक प्याज हमने रफली चॉप करके लिया है। 10 से 12 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं। आधा छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। एक हरी मिर्च ली है और गार्निशिंग के लिए हमने हरा धनिया लिया है। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है। 2 हमने तेज पत्ते लिए हैं। थोड़े से हमने काली मिर्च ली है। आधा चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है। 2 से 3 हमने सूखी लाल मिर्च ली है। एक बाउल हमने ऑयल लेना है। 1 चम्मच हमने घर की ताज़ी मलाई ली है। आधा चम्मच हम गरम मसाला लेंगे। कसूरी मेथी लेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। आधा चम्मच हम धनिया जीरा पाउडर लेंगे। आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे। 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, जिससे कि सब्जी का कलर एकदम बढ़िया आएगा। 8 से 10 हम काजू लेंगे। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे और हम कढ़ाई मसाला रेडी करेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम सारे खड़े मसाले डालेंगे। जब तक हमारे मसाले में से अच्छे से खुशबू ना आ जाए तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। हमारा मसाला भून कर रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब उसी पैन में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर पर गोल्डन मार्क्स आ गए हैं। अब हम इसे डायरेक्ट एक बाउल में निकालेंगे पानी वाले, जिससे कि हमारे पनीर एकदम सॉफ्ट रहेंगे। अब इसमें हम प्याज और कैप्सिकम डालेंगे। इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे हमने थोड़ा क्रंची ही रखना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब पैन में से हमने थोड़ा ऑयल निकाल दिया है। अब हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें हमने थोड़ा ऑयल रखा है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे और अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसे हम अच्छे से भुनेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें थोड़े से काजू डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दोस्तों हम 5 से 7 मिनट, जब तक हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इसे ढककर पकाएंगे। जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। अब हम इसे चर्न कर लेंगे। हमारा कढ़ाई मसाला बनकर एकदम रेडी है। हमें इसे ऐसे ही दरदरा पीसना है।
ग्रेवी बनाने के लिए हमने जो टमाटर और प्याज को पकने रखे थे वो भी अब पककर रेडी है। अब हम इसे चर्न कर लेंगे। इसे अब हम चर्न कर लेंगे। हमारी ग्रेवी चर्न होके रेडी है। चलिए तो दोस्तों कढ़ाई पनीर बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे जिससे कि हमारा मसाला जले नहीं। अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम अब घर की ताजी मलाई डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दोस्तों 2 से 3 मिनट इसे हम ग्रेवी को ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हमारे हो गए हैं। हमारा मसाला और ग्रेवी अच्छे से भून गए हैं। इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज और कैप्सिकम डालेंगे तले हुए। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी से एकदम अच्छे से हम कोट कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच कढ़ाई मसाला डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मिक्सी जार वाला पानी डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अब लास्ट में हम इस पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। इसे एक बारी मिक्स कर लेंगे। इस पर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और ढक्कन लगा के हम इसे 4 से 5 मिनट कुक होने देंगे। दोस्तों 4 से 5 मिनट हमारे हो गए हैं। ऑयल हमारा सरफेस पे आ गया है। हमारी कढ़ाई पनीर बनकर एकदम रेडी है। अब गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे हम एक कढ़ाई में सर्व करेंगे। अब हम इसे थोड़े से धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो दोस्तों खाने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा कढ़ाई पनीर। आप इसे चपाती, नान या तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।